हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ अपने मायके। वहाँ पर आज एक अंकल जी हैं जिन्होंने हमारा रिश्ता करवाया था, उनके यहाँ जागरण है, तो उन्हें उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं आज जागरण में। आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज चुके हैं, तो हम शाम को ही जाएंगे। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे, हम उसके बाद ही निकलेंगे। मैंने एक बैग पैक कर लिया है क्योंकि हमें एक ही नाइट वहाँ पे रुकना है, तो इसमें सोने के ही कपड़े हैं बस जो नाइट में हमें यूज़ करने के लिए चाहिएंगे। तो अब हम चलते हैं आपको लेकर। तो हम निकल चुके हैं घर से मायके के लिए। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन सर्दी की वजह से अंधेरा बहुत ही जल्दी हो चुका है। ऐसा लग रहा है ऐसे बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड भी हो गई है। अब हम पहुंच चुके हैं बर्थडे पार्टी में। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था उन्होंने, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उनकी बेटी का बर्थडे था जो 1 ईयर की हुई है अभी, और ये खाने का स्टॉल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, तो हम थोड़ा सा लेट में ही हमने डिनर किया था जब वहाँ पर थोड़ा सा चीड़ हो गई थी। नवी हेलो। हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में, और अब एक एक करके हम सब लोग जाएंगे माता रानी के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए, मत्था टेकने के लिए। हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। रात काफी हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। तो मैं आ चुकी हूँ अपने मायके से। हम दिन में आ चुके थे, हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। अब शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो मैं थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से सोयाबीन की सब्जी बनाती हूँ न्यूट्री की। तो चलिए देखते हैं हम रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये आलू और ये न्यूट्री कर लिए। अब मैं बनाती हूँ उसकी सब्जी, आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं। यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर गरम होने के लिए। अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम कर देंगे, उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे न्यूट्री का। ऑयल भी अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम इसमें न्यूट्री डाल देंगे।
न्यूट्री को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, खाली उसमें ब्राउनिश सा कलर आना चाहिए। इससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्जी का, क्योंकि न्यूट्री अच्छे से भुन जाती है तो थोड़ी सी अच्छी लगती है। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई, और अब ये फ्राई हो चुकी है, मैं इसको निकाल दूंगी। न्यूट्री फ्राई हो चुकी है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का ऑयल। मैं सरसों के ऑयल से ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, रिफाइंड ऑयल से मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, और एक चुटकी इसमें डाल दिया है मैंने हींग। हींग से थोड़ी सी अच्छी खुशबू आ जाती है, और हींग अच्छी भी होती है खाने के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए प्याज, प्याज को भी अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं डाल दूंगी इसमें कटे हुए आलू। आलू को भी हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, वो भी उसमें सुनहरा सा कलर आ जाता है तो अच्छा लगता है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे न्यूट्री का, जो हमने ये न्यूट्री फ्राई कर ली थी, इसको हम डाल देंगे अपने आलू में, और इनको थोड़ा सा हम चला लेंगे। उसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं। फिर अब मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए टमाटर, और इसको भी चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे, मैंने मसाला बना लिया था, थोड़ा सा मसाले को डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून कर मैं इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दूंगी, और इसमें 3 से 4 सीटी लगा लूंगी। उसके बाद हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। इसको आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत यमी लगती है खाने में। तो फ्रेंड्स, मेरी सब्जी अभी बन रही है, मैंने उसको ढक्कन लगा दिया है, वो सीटी लग जाएगी तो वो बन जाएगी। और हमारा मैक्स भी बहुत दिन बाद घर आ गया है, उसको आज 12 दिन हो चुके थे, वो आज 12 दिन बाद घर आया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे सो रहा है। देखिए, ये मैक्सू यहाँ पे सो रहा था, अभी अभी उठा है, मुझे देख के एकदम से उठ गया। मैक्सू, हेलो बेबी। ये देखिए, ये इतना सारा मैं घर का राशन लेके आ रखी हूँ, अब ये सब कुछ लगाना है अपनी अपनी जगह पे, और भी है वो आटा वगैरह अलग जगह पे रखा हुआ है, तो मैं इसको सेट करके आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, कैसी लग रही है आप सबको बताइए कमेंट करके। तो मेरा डिनर हो चुका है, आप सबका हो गया है या नहीं प्लीज कमेंट करके बताना। और आज हमारे यहाँ पर भी एक जागरण था, पर नवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा खांसी जुकाम है, और बाहर ठंडा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम उसको लेके नहीं जा रहे हैं, हम भी नहीं जा रहे हैं। तो पैसे भी थक गए हैं, कल रात लेट सोए थे। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।